नमस्कार, आप देख रहे बुंदेली दर्पण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह क्या कुछ बोले राजनगर की चुनावी सभा में। खजुराहो और टीकमगढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी के समर्थन में सभा हुई और कांग्रेस पर क्या कुछ बोले अमित शाह, आइए सुनाते हैं आपको। चित्र पर मालाएं लगा रहे थे, दो जगह मातम चल रहा था, छातियां पीटी जाती थी। एक तो पाकिस्तान में, उनको तो पीटनी ही चाहिए ना, बताओ भैया पीटनी चाहिए नहीं पीटनी चाहिए, जोर से बोलो जरा, पीटनी चाहिए नहीं पीटनी चाहिए। और दूसरा, ये राहुल बाबा एंड कंपनी के चेहरे का नूर उड़ गया था, नूर उड़ गया था। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता ये राहुल बाबा एंड कंपनी को क्यों पेट में जलन होती है, क्यों भैया? ये जो मारे गए आपके चचेरे ममेरे भाई लगते हैं क्या, क्यों जलन होती? और ये राहुल बाबा के गुरु सेम पित्रोड़ा कहते हैं कि चार पांच बच्चों ने गलती कर दी, आपने बम गिरा दिए, उनसे वार्ता करिए। मित्रों मुझे बताओ, खजुराहो वालों, हमारे 40 जवानों को जो मार दे उनके साथ वार्ता करनी चाहिए, इन पर बम गिराने चाहिए? और जोर से बोलो, वार्ता करनी चाहिए, बम गिराने चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपको आतंकियों से इलू इलू करना है तो करो, आपकी पार्टी आपको मुबारक। कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समाधान हुआ है, ये कहते हैं कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया। मुझे बताओ खजुराहो वालों, एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या, होना चाहिए क्या? ये कहते हैं एक देश में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं। मैं राहुल बाबा को 12 दिन से पूछ रहा हूं, 12वां दिन है आज, कि उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो या नहीं हो? अरे कमलनाथ, रुपया इकट्ठा करने में से जरा फुर्सत मिली है तो आप भी बता दो मध्य प्रदेश की जनता को, ये उमर अब्दुल्ला के बयान से आप सहमत हो या नहीं? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हमने पर्चा डला है, डिग्गी राजा के सामने पर्चा डला है, पसीने छूट है। क्यों लड़ाया? इन पर आरोप है, क्या आरोप है? हिंदू टेरर फैलाने का आरोप है। मित्रों, मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को बताने आया, हमारी संस्कृति, हमारी जनता जो अपने को काटे वो चींटी को भी आटा खिलाने वाली जनता, हिंदू कभी टेररिस्ट हो नहीं सकता। एक फर्जी केस